देखिए न्यू ईयर का टाइम है, वैसे तो आप थंबनेल और टाइटल में पढ़ चुके होंगे कि ये न्यू ईयर स्पेशल रेसिपी है। और न्यू ईयर स्पेशल पे मैं आपको दो ऐसे मैरिनेशन की रेसिपी देने जा रहा हूँ जिसमें आप अनेक तरह के स्नैक्स बना सकते हैं। वेज में कम से कम 7-8 ऑप्शन तो मैं बता ही दूंगा, और ये देखो ग्रिलिंग भी हो ही रही है, ये देखो इतने सारे ऑप्शन तो हैं ही, तो बस थोड़ा सा इंतज़ार, वीडियो पूरी देखिए, आपके पास दो मैरिनेशन आएंगी जिसके साथ आप अनगिनत टाइप ऑफ स्नैक्स बना सकते हो और पार्टी इंजॉय कर सकते हो। तो ये रेसिपी आएगी इंट्रो के बाद, बट इंट्रो से पहले आप सब सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। उसी के साथ हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के यूजर नेम स्क्रीन पे दिख रहे हैं, प्लीज़ फॉलो अस फॉर मोर अपडेट। बाकी देखिए बहुत अमेजिंग रेसिपी है, ठीक है जी। सत श्री अकाल, की हालचाल, मैं हूं जसप्रीत, आपका होस्ट एंड दोस्त, और आज हम न्यू ईयर की पार्टी की तैयारी कर रहे हैं। अब जैसे कि इंट्रो से पहले आप सब ने देख लिया था कि हम बहुत सारे स्नैक्स बना रहे हैं विद जस्ट टू मैरिनेशन, और इसके साथ ना आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो न्यू ईयर की पार्टी के लिए आपको कुछ ऐसा चाहिए जो बहुत झटपट बन जाए, इसीलिए मैं आपको दो मैरिनेशन दूंगा जो झटपट बन जाएगी। तो शुरू करते हैं। अब सिंस आउटडोर शूट कर रहे हैं ना, तो आउटडोर ये सारी आवाज़ें आपको बहुत आराम से सुनाई देंगी, तो प्लीज़ डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम दैट। और जो मैंने अभी सबसे पहले करा है, दैट इज़ आलूओं को एक सिल्वर फॉइल में डाल के मैंने रख दिया। सिंस हमारी ग्रिल अभी सीज़न हो रही है, तो वो आलू भी ग्रिल के सीज़न होते होते पक जाएंगे। इसकी कहानी मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। मलाई मैरिनेशन के लिए हमें चाहिए दही, काजू पेस्ट, ब्लैक सॉल्ट, ब्लैक पेपर, कस्तूरी मेथी, ग्रीन चिली पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट, वाइट पेपर, क्रीम, ऑयल, चाट मसाला एंड मैदा। सारे इंग्रेडिएंट्स को हम इसी बाउल में डाल लेंगे और मैरिनेशन तैयार कर लेंगे। मलाई मैरिनेशन तैयार है, अब टिक्का मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। तो टिक्का मैरिनेशन के लिए आपको ये सब सामग्री चाहिए। टिक्का मैरिनेशन के लिए हमें चाहिए दही, भुने चने का बेसन, मस्टर्ड ऑयल, जिंजर गार्लिक पेस्ट, कस्तूरी मेथी, ब्लैक सॉल्ट, भुना जीरा पाउडर, चाट मसाला, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर और धनिया पाउडर। अब इन सब इंग्रेडिएंट्स को एक बाउल में डाल के मैरिनेशन तैयार कर लेंगे। अभी मैरिनेशन तैयार है और इसमें ऑप्शंस बहुत सारे हो सकते हैं। वेज में तो पनीर, आलू, सोया चाप, मशरूम, कॉर्न, आप यू नेम इट एंड ऑप्शंस आर अनलिमिटेड। जैसे कि मैंने पनीर टिक्का बना रखा है, पनीर टिक्का सीख पे चढ़ा रखा है, मशरूम टिक्का चढ़ा रखा है, आलू को मैंने पारबॉइल कर रखा था उसको सीख पे चढ़ा रखा है, और कॉर्न बॉइल कर रखी थी और चाप को फ्राई कर रखा है, साथ ही ब्रोकली भी ब्लांच कर रखी है, तो इन सबको मैरिनेट कर लेंगे। अब आपकी मर्जी है, आप किसी भी मैरिनेशन से मैरिनेट कर सकते हैं, दोनों मैरिनेशन गोज वेल विद ऑल दीज थिंग्स। वेजिटेरियन ऑप्शन मैरिनेट हो चुके हैं। अब मैं आपको उन आलूओं की स्टोरी बताता हूँ।
जब भी मैं नानके जाता था, मेरे नाना जी एक चीज करते थे अपने रात वाले प्रोग्राम के लिए, जब भी मेरी नानी चूल्हा जलाती थी तो उसमें से ना थोड़ा सा वो कहते हैं ना काउडंक केक निकाल लेते थे और वो जल रहा होता था, उसके अंदर आलू रख देते थे, या तो आलू रख देते थे या फिर वाटर चेस्टनट रख देते थे, उनको सेक के फिर वो खाते थे वो अपने रात वाले प्रोग्राम के साथ, और हमें भी बहुत प्यारे लगते थे, इसीलिए वो याद रेप्लिकेट करने के लिए हमने आज ये बनाया है। मम्मी को भी बहुत पसंद है तो ये निकाल के मम्मी के लिए भेज देंगे और ये वेजिटेरियन ऑप्शंस को ग्रिल कर लेंगे। वेज के सारे ऑप्शन हमने ग्रिल कर लिए। जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी, आपके सारे स्नैक ऑप्शन तैयार हैं। अब जल्दी जल्दी ये रेसिपी ट्राई करो क्योंकि न्यू ईयर्स आ गया है, और फोटो डालो इंस्टाग्राम पे, हमें टैग करना मत भूलिएगा। थैंक यू, सत श्री अकाल, हैप्पी कुकिंग।